कस्तूरी लाल मेथी, कस्तूरी लाल मेथी, कस्तूरी सूखी मेथी, सफोला उड़द, और उसे मुझे थोड़े कम स्पाइसी लग रहे हैं। मीठा क्यों नहीं डाला बे? बारिश होती तो उसके बाद कितना ठंडा ठंडा सा लगने लग जाता है ना। फेंटना है कम लगेगा तो और डाल दूंगी। पनीर मैं सिंपल ही डालूंगी क्रश करके। 703 बारिश होती तो कितना अच्छा लगने लग जाता है ना, ठंडा ठंडा सा। कल खूब बारिश हुई थी यार, इतने दिन से धूप थी और कल अचानक से पता नहीं क्यों इतनी रात में बारिश हुई। अभी तो ठीक लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो बड़ा सही लग रहा है ठंडा ठंडा। अब तो धूप आएगी, इधर दिख रही है ना। सो गाइस, मौसम इतना अच्छा है, इतना सुहाना है, तो क्यों ना अपनी क्रेविंग्स पूरी कीजिए यार। मेरी क्रेविंग्स खत्म होने का नाम तो ले नहीं रही है, बट आज की जो वीडियो होने वाली है टोटली फूड पे होने वाली है। लोग बोलेंगे कौन सी वीडियो फूड पे नहीं होती भाई, पर ठीक है चलो, ये वाली टोटली उसके ऊपर होने वाली। चलो जल्दी से बनाते हैं व्हाट आई ईट इन अ डे। एंड आज मैं ना एक दो चीजें ट्राई करने वाली हूँ जो कि मैंने कभी नहीं करी है। एंड आज मेरा मन कर रहा है जोई भात खाने को भी, तो वो भी हम बनाएंगे। जोई भात यानी कि कढ़ी चावल। यार कई लोग बोलेंगे जोई भात क्या होता है, तो उत्तराखंड में जोई बोलते हैं कढ़ी को। अभी ये चाय पी रही हूँ मैं। सबसे पहले बड़ी भिगो देते हैं, इतनी बड़ी है। आज बड़ी वाली बना रही हूँ, कढ़ी पकौड़ा वाली, पकौड़ा वाली कढ़ी मैंने बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाली ज्यादा अच्छी लगती है। चलो ठीक है, तो हम भी यही खा लेंगे। सो गाइस, जब तक ना हमारी बड़ी भीगती है, हम खाने वाले हैं ये ब्रेकफास्ट में। ये क्या है पता नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मेरे पास पड़ा हुआ था और मेरे को दिखा सडनली, मैंने कहा चलो यार आज नहीं दिखा, बेसिकली कल दिखा था, तो मैंने सोचा था कल ट्राई करूँगी है क्या ये। सो ये ओट्स है बेसिकली, और मैंने कभी भी ऐसे ओट्स वाली मील नहीं खाई है ब्रेकफास्ट में। आपने देखा ही होगा, आप लोगों को पता ही है मैं क्या खाती क्या नहीं, आपको क्या सभी को पता है। तो अभी आज हम ये ट्राई करने वाले। ठीक, देखो कितना पानी लेना है मुझे नहीं पता, उसमें 250 ml लिखा। अभी 250 ml है कि 500 ml है, दोनों 500 तो नहीं है, 250 ही होगा। आई थिंक यार जो भी कहो, उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चॉकलेट की। सब में हेल्दी है क्या है? अभी तक तो इससे अच्छी खुशबू आ रही थी, और लेकिन अभी थोड़ी अजीब सी लग रही है। इस तरीके से दिख रहा है, इसमें पम्पकिन सीड्स है। छोटे में ना मम्मी जब भी कद्दू काटती थी ना, तो उसके बीज रख देती थी, सुखा देती थी, और या फिर ऐसी गीले हम निकाल निकाल के खाते थे उसमें से। और बड़े हुए हमारे नखरे ज्यादा हो गए, हमने खाए नहीं, मम्मी ने सुखाए भी नहीं। मतलब ऐसे होगा, प्रॉपर दिन मुझे याद है कैसे खा रही थी मैं, कैसे एंड ऑल टेस्ट इसका। मीठा क्यों नहीं डाला बे? इसका टेस्ट पता अच्छा है, बट मीठा नहीं, चीनी डालना भूल गए। इसमें हम थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, है ना, पर हनी मेरे पास है, पर प्योर वाला है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब प्योर मतलब एकदम पेड़ से निकला हुआ जो होता है ना, वो जो डब्बे में आता वाला नहीं है, वो खाने में ठीक लगता है थोड़ा बहुत। मुझे शहद वैसी पसंद नहीं है। इसमें तो चॉकलेट सिरप डाल दो, पर मतलब मुझसे सारे ट्रिक ले लो कि हेल्दी फूड को अनहेल्दी कैसे बनाना है। गर्म बहुत है यार। बड़ी फ्राई कर रही हूँ मैं, कब बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल, फिर से जोई भात करने वाली थी। इसको मैं सोयाबीन जो मैंने भिगोई थी कहाँ रखी है यहाँ पे, इसको फ्राई करूँगी, इसको वॉश कर लूँ तब तक तेल गर्म हो जाएगा। तीन पैकेट में ये वाली साथ ले रही हूँ, अमूल की तड़का छाछ, एक पैकेट डाल दे दूसरा
नमक कम कम डालूंगी, फिर गुन्नू खाएगी, फिर बाद में मैं ऐड करूंगी मिर्च वगैरह। अच्छे से फेंटना है फिर। तेल कम कर दिया मैंने, 2 चम्मच तेल रखा हुआ है। इसमें मैं छौंका लगाऊंगी तो ये मेथी दाने का, जीरा, अजवाइन, कड़ी पत्ता नहीं है मेरे पास, नहीं तो कड़ी पत्ता भी इसमें डालती मैं। बन गई है, तो इसे निकाल दूंगी अभी मैं थोड़ी सी गुन्नू के लिए, और उसके बाद फिर करने वाली हूँ मैं थोड़े मसाले ऐड। मुंह साफ कर रही है। अभी मैंने इसको ना कचरी और तली थी वो दी थी, वो इसने आधी खाई आधी मुझे खिला दी, और अभी मेरा मुंह साफ करने के लिए आ जाती। हाय कर दो, हाय करो, हाय। हाँ भाई, मैं अपलोडिंग कर रही थी फेसबुक में। फेसबुक पेज आपने फॉलो किया नहीं किया, अगर नहीं किया ना तो जाके देखना। अभी तो फेसबुक में अपलोडिंग हो रही है, यहाँ पे नई वीडियो डालने की तैयारी भी हो रही है। आज की वीडियो जो अभी अपलोड होने वाली है, जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अरे अभी भात भी बनाना, भात बनने में तो लगेगा थोड़ा सा टाइम, और मुझे लग रही है भूख, और ब्रेकफास्ट तो मेरा कैसा है आपको पता है, अच्छा था, बट जो भी है। तो अभी ना मैंने ये लेके आई थी कोरियन नूडल्स, एंड काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक इन्हें 10-12 दिन हो गए मेरे पास, लेके आई थी। मैंने ट्राई नहीं किए, मतलब और फ्लेवर किए हैं मैंने, बट ये किमची फ्लेवर, कोरियन किमची वाला नहीं किया। पिंक कलर देख के मैं लाई थी, बड़ा सही लग रहा था। तो अभी मैंने पानी रख दिया यहाँ पे, मिर्च, हल्का सा धनिया, और नमक तो चाहिए चाहिए। MDH का किचन किंग, कस्तूरी लाल मेथी, कस्तूरी सूखी मेथी, मेथी, एंड मैंने नहीं जो कड़ी है थोड़ी सी पतली बनाई है, क्योंकि इसमें बड़ी डाली तो चावल वगैरह बनेंगे नहीं, गाढ़ी होने वाली है। रेडी हो गए हैं, मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वैसे ही स्पाइसी होते, और गरम गरम खाऊंगी तो मुझे मुंह नहीं जलाता अपना। ओके, ट्राई करते जरूर। चमची का फ्लेवर आ रहा है, और उससे मुझे थोड़े कम स्पाइसी लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। तीखा लग गया थोड़ा सा, आधा लड्डू खा गए। तो गाइस अभी हो गया है दिन के खाने का टाइम, एंड ये जूही जो मैंने बनाई थी देखो गाढ़ी हो गई पहले से काफी, और ये रही कचरी, और ये रही हमारी गुन्नू जिसने खाना खा लिया, प्लेट लेके घूम रही है। हस्बैंड जी तो शाम को आके ऑफिस आके खाएंगे। ले लो, थैंक यू मम। अच्छा मेरा कड़ी पकौड़े वाली कड़ी खाने का मन था, बट ये भी बहुत ज़्यादा यम हो गई है। बड़ी फ्राई हो जाए ना अच्छे से तो बहुत अच्छी लगती है। सफोला उड़न्स,
टाइम लग गया है शाम को 5 से। ये मांग ली कच्चे, नहीं है फिर बाबू, नहीं है तब हो गया बम बम बम। और कहाँ से तू मार फूंक मार, तैयार हो गई जी जी। गर्म है ना, गर्म है, गर्म हो रहा है जी, है ना जी। अरे पागल लड़की बाबू। अच्छा डॉल, इसकी डॉल मिल गई है काफी टाइम बाद। हाँ इसने क्या कागज फाड़ा है बाबू 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 जी। जी है ना मार्केट गए थे, देखो गुन्नू अपने लिए क्या लाए। इसकी ना बॉल फट गई थी, सेम वैसे ढूंढ रही थी, मिली नहीं तो ये वाली ले आए। नीचे रखते इतनी खुश हो जाती है ना, इसको पैदल चलना पसंद है। साइड साइड चलो, गाड़ी आ रही है। सोसाइटी के अंदर घुस गए तब मैंने रखा इसे नीचे, पूरे रास्ते हाथ पाँव मार रही थी कि नीचे रख नीचे रख। देखो अब ऐसा सीन है कि गुन्नू को मैंने सुला दिया है और रात में हम बनाने वाले कुछ मज़ेदार सी चीज़। वो मज़ेदार चीज़ क्या है, तो मैं मार्केट गई थी, मुझे दिख गया है। मैंने कहा तो लगा गई बनाते हैं, कुछ चुटपटा सा खाने का मन हो रहा है, बट बाहर का खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाहर का खाना घर में बनाया जाए। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। तो ये मैं बनाने वाली हूँ, और ये सिर्फ मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर का खाना बहुत ही ना के बराबर खाते हैं, तो वो तो ये बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, और मेरे को भी चिल्लाने वाले, बट ठीक है उनके आने से पहले बना देती हूँ, कितना ही चिल्लाएंगे। और गुन्नू को तो देना नहीं है, तो अपने लिए मैं पहले बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बचेगा। गुन्नू के लिए, दीपक के लिए फिर मैं कुछ और बनाऊंगी। सबसे पहले डाल देती हूँ मैं ऑयल, मेरी सब्जियाँ काट दी मैंने तेल बनाऊंगा, पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जीरा काली मिर्च, नमक, यहाँ पे सब्जियाँ फ्राई हो गई और मैं सोई गई हूँ। एंडी कड़ी बची, कड़ी खा रही, बहुत यम्मी हो रही है यार। अच्छी लग रही ना बड़ी, सच्ची की सॉस ज़्यादा नहीं, तीखा नहीं बनाना है। सोया सॉस, मेरे पास विनेगर चिली सॉस खत्म हो गई, फिर मैंने मिर्च वाला अचार डाला है, खट्टा भी है तीखा भी है, ये परफेक्ट रहेगा, खाया खाने के बाद पता चलेगा कैसा होगा। अब डाल देंगे नूडल्स, मिक्स 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 नूडल्स मसाला, थोड़ा डाल दूँ मैं आधा पैकेट। जितनी ज्यादा सब्जी आप डालोगे उतनी ज्यादा टेस्टी होती है चावल। दीपक से मैंने पूछा तो मना कर रहा, नहीं खा रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने आके कड़ी चावल भी खाए थे ना ऑफिस से, तो अभी कहते मेरा टमी फुल है। अच्छी दिख रही है ना, खाने में भी बहुत अच्छी हो रही है। हरी मिर्च ना मुंह में आ रही, जो मैंने अचार डाला था ना हरी मिर्च का, तीखा और खट्टा, वाह थोड़ा सा और डालना चाहिए था मुझे, बट अभी भी काफी स्पाइसी हो रहा है। एंड पत्ता गोभी डालने से तो
सोने पे तो स्वाद नहीं आता है। गाजर कौन डालता है चौमिन में भाई? मैदा खाओ एनएलटी। अच्छा यहाँ से रोड के नीचे हो गई है जनरल दादालाल सर, कोई बात नहीं। अच्छा पार्किंग के नीचे है, ठीक ही बनी है। मिर्च का चार डाला जो हम खाते हैं, विनेगर और ग्रीन चिली खत्म थी। 2778703 स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे होंगे। उसी दिन मेरा बकाए का भुगतान उसने खजाने में कर दिया, कोई पैसा नहीं भुगतान का। एक चीज दिखाओ, गुनी डॉगी कहाँ है? तेरी उंगली काटेगा वो, छुपा ले अपनी उंगली, छुपा उंगली छुपा। तो अभी यहाँ पे बन रहा है अब लास्ट मील जो मैं बना रही हूँ आज के दिन, वो बना रही हूँ गुन्नू के लिए। पनीर का पराठा बना रहे थे, साथ में खा भी हूँ पनीर। जो मैंने मसाला डाल दिया तो पनीर मैं सिंपल ही डालूंगी क्रश करके। तवे पे जो बच्चे खाना बनाते समय ध्यान रखना पड़ती बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खाना बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। तो रोटी जितनी ज़्यादा हो सकी थी मैंने पतली बेली है, पराठा मतलब मेरा रोटी से, क्योंकि मोटी रहेगी तो पकने के तो पकाते ही अच्छे से, पर जितनी पतली उतनी अच्छे से पकेगी। तो गैस अभी जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमारी जो गुन्नू है वो सोती है लेट में, अभी देखो क्या कर रही है चम्मच के साथ, अब भग रही है। अरे अभी एक बज गया है रात के, नींबू रेस वाले रेस खेल रही है क्या? यार उठो उठे भूख लग जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे चाहिए होता है। एग पड़े तो मैंने कहा कुछ कचर पचर खाने से अच्छा अंडे ही खा लूं। तो मैं इसको फिनिश करती हूँ, व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।